Hey guys, Shred Gaming YT here, और आज हम लोग बात करेंगे नए अपडेट के, स्टैंड ऑफ टू और क्रिटिकल लूप्स दोनों के नए अपडेट जो 2020 में आए हैं, तो उनके कंपैरिजन देखेंगे कि किस गेम में क्या अच्छा है और क्या नहीं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे स्टैंड ऑफ टू से। तो स्टैंड ऑफ टू का मैप चेंजेस हुए हैं, जोन 9 वापस लाया गया है, प्रोविंस का मैप और थोड़ा बड़ा कर दिया है। जोन 9 मैप कंपेटिटिव में डिसएडवांटेज सा हो जाता है सिटी के लिए, आप तो समझ सकते हैं, बड़ा मैप है क्योंकि जोन 9 में भी चेंजेस आए हैं, तो काफ़ी बड़ा मैप कर दिया है उसको। गन रिकॉयल वगैरह उतना कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ बग, लेकिन मैप चेंजेस ही था जो मेन था अपडेट में, और बग फिक्सेस हटाए, कंपेटिटिव थोड़ा अच्छा कर दिया, कंपेटिटिव थोड़ा और मतलब तगड़ा बनाया है। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल तो गेम का सिर्फ मैप प्रॉब्लम है एक, और कुछ इश्यूज भी, मतलब नया अपडेट आया है तो ऑफकोर्स एकदम से अच्छा तो नहीं चलेगा, कुछ इश्यूज भी फेस हुए हैं, सर्वर्स क्रैश किए हैं, तो वो हो सकता है, नेचुरल बात है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ घर में है सब लोग, तो कोई मतलब इतना सारा लोग इसको डाउनलोड कर लिया है ये सब गेम को कि अब सर्वर्स को उठाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो सर्वर्स गिरने लग गए। तो यहाँ पे मेरे को तो स्टैंड ऑफ टू का गेम बहुत अच्छा ही लगा है, बस कंपेटिटिव एक ऐसा चीज़ है जो मेरे को अच्छा उतना नहीं लगा है इसका अभी भी। मैप जोन नाइन का मैप का मेरे को अच्छा नहीं लगा, सिटी के लिए बहुत डिसएडवांटेज है, अगर रॉन्ग बाउंड साइड पे चला गया तो फिर वो राउंड लॉस हो जाएगा, इवन अगर एक बंदा भी क्यों ना बाकी रहा हो टेररिस्ट में, तो ये तो मतलब एक पूरा ही डिसएडवांटेज है। तो कंपेटिटिव में कभी भी जोन 9 को ले नहीं सकते हैं, प्रोफेशनल प्लेयर्स भी ये मानती हैं कि जोन 9 को लेना नहीं है। इस गेम का और क्रिटिकल लूप्स का सेंसिटिविटी बस डिफरेंट है, लेकिन गेम का देखा जाए तो कॉल आउट वगैरह में क्रिटिकल लूप्स ज़्यादा बेटर लगा है स्टैंड ऑफ टू से। इवन दो स्टैंड ऑफ टू का ग्राफिक्स कुछ ज़्यादा अच्छा, मैप इंटीरियर्स अच्छे हैं, क्योंकि क्रिटिकल लूप्स के मैप अच्छे नहीं हैं। क्रिटिकल लूप्स का मैप को आपको समझने में समय लगेगा, काफ़ी डिफरेंट है मैप, आप देखेंगे काफ़ी डिफरेंट है मैप में, आप उसमें इतने सारे मैप है तो एक बात आती है ना, कितना मैप आप याद रखेंगे, क्या चूजिंग है, तो वो बहुत एक कंपेटिटिव टाइप है क्रिटिकल लूप्स की ही। तो सिर्फ क्रिटिकल लूप्स में अभी 2020 में काफ़ी अपडेट आया, मतलब गन रिकॉयल्स और आपका चेंजेस भी आए हैं। तो ये तो पुराना गेम प्ले मैं दिखा रहा हूँ, अपना नया गेम प्ले मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इसमें आपको वो चेंजेस नहीं दिखेंगे, लेकिन काफ़ी सारा चेंजेस आया है, मतलब ब्रीच और कोलिशन दोनों के लिए सेपरेट गन्स होंगी, कुछ कॉमन गन्स भी होंगी, मैप में कोई चेंजेस नहीं है, मैप तो सेम है, डिफ्यूज़ और रैंक्ड चेंजेस हैं सिर्फ। डिफ्यूज़ में मतलब आपका राउंड्स तो सेम ही है, उसमें कोई नहीं है, लेकिन उसमें गन का जो चेंजेस हुए हैं वो दोनों रैंक और डिफ्यूज नॉर्मल डिफ्यूज में रहेंगे, और आपका रैंक जो मैचेस है उसमें आपका राउंड आपका जीतने के लिए 13 राउंड चाहिए, 1-13, और आपका जो बाकी जो चीज़ें हैं राउंड फ्लिप वो हो गए 12। तो एक हो गया इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ना हो, तो गन्स का जितना भी इकोनॉमी है वो थोड़ा बैलेंस किया गया है, तो गेम तो अच्छा ही है, क्रिटिकल लूप्स कॉल आउट देता है अच्छा है, लेकिन मैप वही बात आ जाती है ना, मैप इतना सारा प्लेसेस है, इतने कॉर्नर्स है, तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव गेम है, इसका ई स्पोर्ट्स में भी अच्छा प्रभाव है, इसीलिए आप देखेंगे कि स्टैंड ऑफ टू ई स्पोर्ट्स में उतना नहीं है जितना क्रिटिकल लूप्स का ई स्पोर्ट्स में है। तो क्रिटिकल लूप्स भी तो मतलब ऑन हाई नोट है, ठीक है। अब नया अपडेट आया है, तो नया अपडेट करने के बाद मैं रैंक खेलना चाहा, तो मैंने ये देखा कि रैंक बटन काम ही नहीं कर रहा, अब करूँ तो इंडियन सर्वर तो मेरे हिसाब से हटा दिया है रैंक मैचेस में से, और आई डोंट नो एग्जैक्ट रीज़न क्या है हटाने का, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है इंडियन सर्वर्स में उतना कंपटीशन लोगों को नहीं दिखा जितना दिखना चाहिए था, मतलब पार्टिसिपेशन बहुत कम था रैंक मैचेस में,
हाँ उस समय सीज़न 2 सीज़न 1 में उतना नहीं था इंडियन प्लेयर्स में कि क्रिटिकल रूप्स खेलें, लेकिन अब लोगों को खेलना है तो उस समय आप रैंक मैचेस में से इंडियन सर्वर्स हटा देंगे तो ये ख़राब है। बहुत लोग इसलिए 1 रेटिंग भी दे दिया है इंडियन प्लेयर्स ने, मैं अभी तक ऐसा कोई रेटिंग नहीं दिया हूँ, और नो ऑफेंस, लेकिन वापस लाइए सर। अपना नाराज़गी वगैरह कुछ नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है क्रिटिकल लूप्स की टीम से कि ये इंडियन सर्वर्स का जो रैंक मैचेस है वो होने दें, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लोगों को, और मौका तो देना चाहिए ना लोगों को। ऐसा तो नहीं है आप नहीं दे सकते, आप गेम डेवलपर्स हैं, आप लोगों को सोचना होगा हर एक एस्पेक्ट में। तो बस रिक्वेस्ट है कि ये सर्वर वापस आ जाए रैंक में और हम लोग रैंक मैचेस खेल सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई टॉपिक के साथ, तब तक।